अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। कुछ दिनों से बड़ी परेशानी है, कुछ बात मुझे खाई जा रही है अंदर ही अंदर। आपने देखा होगा अहमदाबाद की एक लड़की आयशा जिसने सुसाइड कर लिया। मेरी भी 6 बहनें हैं और उन 6 बहनों को और हिंदुस्तान की सारी बहनों को और पूरी दुनिया में जितनी लड़कियां हैं उन सबको ये मेरा सीधा डायरेक्ट मैसेज है। आयशा के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। पता नहीं किस परेशानी में होगी, पता नहीं क्या क्या बर्दाश्त करती होगी, पता नहीं उस पर क्या बीती होगी, पर उसने जो किया वो भी बहुत गलत किया। उसने एक लैंग्वेज में कहूंगा कि चूतिया, बेवकूफ, जिसने कह दिया कि मर जा तो मरने को उसको दिखाने के लिए खड़ी हो गई। लेकिन जो उसके मां बाप रोते बिलखते हुए तड़पते हुए उसे कह रहे थे बेटा घर आ जा, बेटा घर आ जा, सब सही हो जाएगा, बेटा घर आ जा था, उसकी बात उसने नहीं सुनी। मैं सारी बहनों से कहूंगा कि खुदकुशी सॉल्यूशन नहीं है। अल्लाह ताला ने इसको हराम बताया है, ना यहां के ना वहां के। जिंदगी अल्लाह ने दी है, लेने का हक भी सिर्फ अल्लाह ताला को है, हमें कोई हक नहीं है। अगर बात नहीं बनती है, लड़ाई झगड़ा आप छोड़ दो। मेरी 6 बहनों को भी है कि अल्लाह ताला, मैं सोचता हूं कि लड़कियां बताती नहीं है और मां बाप ये समझते हैं कि पड़ोसी क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, और लड़कियों को इस तरह से छोड़ देते हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, रिश्तेदार गए भाड़ में, पड़ोसी गए भाड़ में, दुनिया वाले गए भाड़ में, अपनी लड़की की बात सुनो, उसे समझने की कोशिश करो। क्या औरतें सिर्फ बुरखा पहन के